इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिम पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़ रांची झारखंड। विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जेतु तीर्थर शासनम, जयवंत हो तीर्थंकर शासन एवं तीर्थंकर के पावन पवित्र पीयूष देशना, हम सभी के लिए कल्याणकारी हो। हम निरंतर ही सम्यक पुरुषार्थ की भावना रखते हुए माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारे जीवन में निसंकित अंग की प्राप्ति कैसे हो। जब तक हमारी श्रद्धा में कहीं भी कमजोरी है, कंपायमान है, अकंप नहीं है, तब तक वो श्रद्धा मोक्ष का कारण नहीं बन सकती है या सिद्धिदायिनी नहीं हो सकती है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि अकंप श्रद्धा होना चाहिए। अकंप श्रद्धा ही हमारे जीवन में उपलब्धि का कारण बनती है। संसार संतति को समाप्त करने के लिए अकंप श्रद्धा चाहिए, अंग विहीन नहीं चाहिए। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि अंग सहित होना चाहिए, और पहला अंग जो निशंकित अंग है, नंग ही निमलम चित्तम दर्शनम जन संतति नहीं मंत्र वक्षणियो निहंति विश्व वेद नाम। आचार्य शमद भद्र स्वामी श्रापाचार के अंतर्गत लिखते हैं कि जिस प्रकार वह मंत्र जो अक्षर से विहीन है या उसमें एक अक्षर भी, एक बीजाक्षर भी कम है, तो वह मंत्र विष की वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाता है। न्यून अक्षर से सहित मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता है। वैसे ही नांगहीन मलम छेतुम न अंगहीनम, अंगहीन सम्यक दर्शन अलम माने समर्थ नहीं है। छेतुम जन्म संतति का छेदन करने के लिए, संसार का छेदन करने के लिए, कर्म का छेदन करने के लिए समर्थ नहीं है। इसलिए निसंकित की बात कही गई, इदमेव ईदृशमेव तत्त्वम नान्यं चान्य था। तत्व कैसा है? इदम यो ईदृशम यो, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। जैसा आप्त के द्वारा कथित है, जैसा गर्दनों के द्वारा गुंथित हुआ है, और जैसा आचार्यों मुनियों के द्वारा लिपिबद्ध हुआ है, लिखा गया है, तत्व वैसा ही है जो स्वभावभूत है, स्वभावभूत है, अन्यथा नहीं है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है तो उष्णता ही है, अन्यथा स्वभाव नहीं बदल सकते हम उसका। जल का स्वभाव शीतलता है तो शीतलता ही है, वायु का स्वभाव त्र्यगमन है तो त्र्यगमन ही है, हमारा स्वभाव ऊर्ध्वगमन है तो ऊर्ध्वगमन है, अथवा हमारा स्वभाव ज्ञान दर्शन है। पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गलन करना है, बनना मिटना है, ये सब स्वभाव है। इस स्वभाव को कोई बदल सकता क्या?
कोई नहीं बदल सकता, इसलिए तत्व ऐसा ही है, ऐसा श्रद्धान करना, ये है सम्यक श्रद्धान। ऐसा ही है तो ऐसा ही है, अन्य नहीं है। अगर कोई इसकी अन्य प्रोपणा करता है, अन्य निरूपण करता है, इसलिए वचन बाद में प्रमाणित बात कहिए, पहले वक्ता की प्रमाणिकता है। इसलिए वीतराग तीर्थंकर देव, सर्वज्ञ देव हमारे मुख्य वक्ता हैं और उनका स्वरूप ये है, इस कारण से वो प्रमाणित हैं। गढ़धर परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, गढ़धर परमेष्ठी का स्वरूप ये है, इस कारण से वो प्रमाणित हैं। उसके बाद उनके अनुसार अरहत्री आचार्य परमेष्ठी हुए, उसी के अनुसार व्यवस्था करने वाले जिन्होंने लेखन किया है, इसलिए वो प्रमाणित हैं। इस कारण से वक्त्रो वक्ता रहा। कितने वक्ता होते हैं? तीन ही वक्ता हैं मुख्य रूप से, सर्वज्ञ तीर्थंकर, गढ़धर परमेष्ठी और अपरवर्ती आचार्य, ये वक्ता है। इसलिए पहले वक्त्री प्रमाण्यात क्या लिखा है, वाक्य प्रमाणम, धवला जी में लिखा हुआ सिद्धांत ग्रंथ में कि वक्ता की प्रमाणिकता से ही वचनों में प्रमाणिकता आती है। व्यवस्था अगर बनाने वाला कोई है तो पुण्य बनाता है, इस बात का ध्यान रखो। आपके पास भी पुण्य होगा तो व्यवस्था बन जाती है। पुण्य का उदय आता है रातों रात, माला माल हो जाता है व्यक्ति, पता नहीं चलता कहाँ से हो गए, अरे उसको पता ही नहीं था जीवन में और मालूम चला पुण्य का उदय आया, इसके एक जीवन में ऐसा पाप का उदय आया, ऐसा घाटा लगा, कंगाल हो गया वो, अब क्या करेगा। फिर भी घबराया नहीं, देखना सच्ची श्रद्धा रखने वाला जीव की बात, कोई भय नहीं इस लोक का, अब मेरा क्या होगा, घबराया नहीं। उसने क्या किया, अभी मेरे अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए उसने एक काम किया कि उस संबेद शिखर जी की वंदना करने जाने लगा, मैंने 108 वंदना करने का नियम ले लिया और वह संबेद शिखर की 108 वंदना कर, प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता है, पूजन करता है, जाप करता है, उसको पता है मेरा अशुभ कर्म का उदय है, घबराना नहीं है, लेकिन मैं संक्रमण करूंगा, क्या करूंगा, रूपिसवे संक्रमण करूंगा, मैं अपने पुरुषार्थ से बदल सकता हूँ, पुरुषार्थ से अभी समय खराब है, लेकिन खराब नहीं, उसको भी मैं सही कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, उस समय को मैं सही कर सकता हूँ। गहने बैठ जाओ, सोचना कुछ दिन बाद मालूम चला कि उसकी जमीन पड़ी थी बहुत, उस पर विवाद चल रहा था बहुत समय का, अपने आप विवाद शांत हो गया और वो जमीन उसके पास पैसा आ गया। और एक तो उसको पता ही नहीं थी कहाँ जमीन पड़ी, लेकिन निमित्त देख लो पुण्य कहाँ अनुकूलता प्रदान करता है, उसके पूर्वजों की जमीन पड़ी उसके पता नहीं था, लेकिन उसकी जानकारी मिली और उसको पुण्य कैसे व्यवस्था बना देता है, कैसे अनुकूलता प्रदान करता है, ये बात कर रहा हूँ। और वह उससे भी पहले से भी ज्यादा मालामाल हो गया, यह है श्रद्धा। ये क्या है, ये श्रद्धा है। तो श्रद्धा के प्रभाव से व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, इसलिए निशंकित अंग में इतनी अकंप श्रद्धा होती है कि नहीं कैसे भी विपत्ति आएगी लेकिन हम अपने वीतराग दरबार से बाहर नहीं जाएंगे। क्या वीतराग दरबार से बाहर नहीं जाएंगे, वीतराग दरबार से बड़ा कोई दरबार नहीं है। इस प्रकार की श्रद्धा उसके जीवन में होती है, करता है, स्त्रोत पढ़ रहा है, जाप कर रहा है, वो भी घबरा के नहीं कर रहा है, विशुद्धि के साथ भगवान से मांग नहीं कर रहा है वो, लेकिन अशुभ को शुभ में बदलने का पुरुषार्थ कर रहा है, या अशुभ की निद्रा का पुरुषार्थ कर रहा है, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। भगवान से मांग नहीं कर रहा कि भगवान हमारा ऐसा हो जाए, हमें ऐसा कर दो, नहीं, लेकिन भक्ति में डूबा है,
और भक्ति से जो विशुद्धि बन रही है उस विशुद्धि से पाप झर रहे हैं। किससे? उस विशुद्धि से पाप झरते हैं। ध्यान रखना, पाप झरते हैं और पुण्य का झरना फूट जाता है। दोनों ही काम होते हैं। कहां से स्रोत फूटा देखना। हां, आप आश्चर्य करोगे, ऐसे ऐसे आश्चर्य होते हैं। तभी तो हम देखते हैं पुण्यात्मा के जीवन में कितने संकट आते हैं, लेकिन वहां पर देखते हैं जंगल में मंगल होता है तो किसके प्रभाव से होता है। जंगल में मंगल होता है किसके प्रभाव से? लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, तैयार हो जाते हैं। ये सब पुण्य का प्रभाव है, पुण्य का प्रभाव। लेकिन श्रद्धावान जीव उसमें भी जानता, अच्छी श्रद्धा करता है, भक्ति करता है तो कहता है पुण्य तो अपने आप आएगा। उसकी भी आकांक्षा नहीं करता है, उसकी भी आकांक्षा नहीं करता है, करता भी करता है। निसंकित अंग है, ऐसा निसंकित अंग। यह लोक भय किसका भय? इसलिए यह लोक में भय नहीं है किसी प्रकार करने है। सारी व्यवस्थाएं अपने आप, साता वेदनी कर्व जो होता है वो सारी अनुकूलताएं अपने आप बनाता है। प्रशस्तम प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है। कौन सी? साता वेदनी। साता वेदनी कदम आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। आपने कभी सोचा होगा? नहीं सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है एक जीव, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसलिए कहीं भी भय नहीं, अभय की ओर बढ़ना चाहिए, संकय छोड़ श्रद्धा की ओर बढ़ना चाहिए। परलोक भय भी उसके जीवन में नहीं है। किसका परलोक भय? किसका भय? जब हम अच्छा कर रहे हैं अच्छा मिलेगा, इतना एक विश्वास है, दृढ़ श्रद्धा है कि मैंने जब बीज अच्छा बोया है तो फसल अच्छी होगी। बीज तो मैंने उसका बोया ही है तो वृक्ष उसी का तो होगा। आम का है तो आम ही तो फलेगा, बबूल नहीं। और बबूल बोया है तो बबूल फलेगा, तो फिर दिक्कत किसकी है? इसलिए जब हम अच्छा जीवन जी रहे हैं तो फिर अगला भाव घबराने की जरूरत नहीं। जिसने इस भाव में ही स्वर्ग का जीवन जिया हो, धर्ममय जीवन, सदाचार का जीवन जिया हो, उसके जीवन में स्वर्ग तो है ही। इसलिए वो जानता है, सिद्धांत को जानता है, इसके उसके जीवन में परलोक भय भी नहीं है। जब हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो फिर हम क्यों घबराएं? क्यों घबराएं? हम व्रत का पालन कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, संयम का पालन कर रहे हैं तो फिर मुझे पता है। इसलिए परलोक की चिंता नहीं कि हमें भय परलोक में क्या व्यवस्था बनेगी कि नहीं बनेगी, इसलिए हम यहीं से जोड़ना प्रारंभ कर रहे हैं, जबकि पता है यहाँ से तो हम कुछ ले भी नहीं जा सकते हैं। कुछ जाएगा मेरे साथ? जाएगा, जाएगा, जाता है। लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो नहीं जाता है, लेकिन जो आपने संग्रह किया है परिणामों से उसका परिणाम जाता है। क्या जाता है? उसका परिणाम जाता है और उसका ही परिणाम होता है। तो इस पूरा सिद्धांत मुझे मालूम है, इसलिए हम जानते हैं हमें न इस लोक में भय न परलोक में भय। ये भौतिक संसाधन नहीं मिलेंगे, इंद्रिय संसाधन। एक व्यक्ति बहुत लालसा वाला होता है, बहुत लोग होते हैं जीवन में जोड़ जोड़ करके रखते हैं,
क्या करते हैं, जोड़ जोड़ करके, कोई सामान मिला उसने लॉकेट में रख दिया, कोई सामान मिला उसने अपने पास रख ली। अब वो उसका उपयोग नहीं करेगा, दूसरों का उपयोग करेगा। क्या करेगा? दूसरों का उपयोग करेगा। अब वो अपना रखे हुए संभाल के, अब वो क्या काम का तुम्हारा? एक तो तुम्हारे उसके माध्यम से कर्म का आश्रय हो रहा है, परिग्रह है तुम्हारा, और दूसरे का उपयोग कर रहे हैं तो प्लस परिग्रह और कर रहे हैं। इसलिए कि आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या ज्ञानी, पुण्य में जब होता है, पुण्य में होता है, भाग्य में जब होता है तो भाग करके आता है। क्या होता है? भाग्य में होता है तो भाग करके आ जाता है, पता नहीं कहाँ से भाग के आया है, और भाग्य में नहीं है तो भाग जाता है। यही तो है। बहुत लोग होते हैं बस तो गाड़ करके रख देते हैं कई चीजें धन संपदा को, और उसका पुण्य का उदय नहीं था तो वो भी खाक हो जाती है, वो भी खाक हो जाती है। जब खोदते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलता है, वो भी खिसक गई। अरे क्या हुआ? और पुण्य का उदय जब होता है ना, तो ऐसा हाथ लगाता है लोहे में तो सोना बन जाता है। अभी कहाँ से बन गया? हाँ, किसी भी काम में उसने हाथ डाला। ये है तो इस प्रकार का श्रद्धा अपने जीवन में, इसलिए श्लोक पढ़ लो, लालसा मत करो जीवन में, क्या जोड़ जोड़ करके रखना है, ये भी रख लो वो भी रख लो। तृष्णाबान जीव होता है। क्या होता है? तृष्णाबान जीव होता है, उपभोग नहीं कर पाता वो जीवन में। एक बात और बतलाऊं, उपभोग नहीं कर पाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिम पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़ रांची झारखंड।